जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के आखिरी दिन मंगलवार को टाउन बांसगांव और टाउन पीपीगंज के बीच मैच खेला गया, जिसमें टाउन बांसगांव की टीम ने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से बढ़त बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। इस संबंध में जिला फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद हमजा खान ने बताया कि प्रथम क्वार्टर फाइनल बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय व सेंट एंड्रयूज स्कूल के बीच दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। साथ ही द्वितीय पाली में क्वार्टर फाइनल मैच आदर्श क्लब बेलवार और उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर जोन के बीच 3:25 पर खेला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए जिला फुटबॉल संघ गोरखपुर के सचिव मोहम्मद हमजा खान ने कहा, तो आपके समय में कटौती होगी। मैच का रिजल्ट इस पे नहीं है, बाकी सब ये मैच रिजल्ट आने के बाद ये पूरा अंक भर जाएगा। मेरा नाम हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर, जिला फुटबॉल संघ। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग है जो जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और जो उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से संबद्ध है। इस वर्ष इस लीग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग में 16 टीमों ने प्रतिभाग के लिए अपनी प्रविष्टि दी और इन 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटकर लीग मैच कराया गया और अंकों के आधार पे विजेता उपविजेता प्रत्येक वर्ग के, ये कल से शुरू हो रहे क्वार्टर फाइनल नॉकआउट दौर में टीमें प्रवेश करेंगी। और कल जो टीम पहला मैच नॉकआउट दौर का खेला जाना है, वो पहला मैच होगा पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय वर्सेज सेंट जूड्स पब्लिक स्कूल के बीच ठीक 2 बजे, और दूसरा मैच ये उत्तर प्रदेश पुलिस और आदर्श क्लब बिलवार के बीच खेला जाना है। ये सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम पे इतना बड़ा आयोजन जनपद स्तर का पहली बार हो रहा है और उसमें पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ परिवार ने जिला फुटबॉल संघ को सहयोग किया है बहुत बड़ा, और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में उन्होंने जीवन दिया है। अभी ये आज तो अंतिम मैच है लीग का, ये आदर्श क्लब बिलवार, सॉरी ये सौराष्ट्र क्लब पीपीगंज वर्सेस टाउन क्लब बांसगांव, और ये दोनों टीमें गोरखपुर शहर से 30-30 किलोमीटर की दूरी से आती हैं। इन दोनों टीमों को आप सेमी रूरल और सेमी अर्बन भी कह सकते हैं, अर्ध शहरी अर्ध नगरी या अर्ध नगरी अर्ध शहरी, ये दोनों टीमों में प्रतिभाएं बहुत हैं, ग्रामीण अंचल की टीमें हैं और बहुत आप देख रहे हैं कि संघर्षपूर्ण मुकाबला है इनके बीच। अब
तक इन लोगों के जो मैच खेले गए हैं अभी तक जो चला है? मैं समझता हूं कि अंकों के आधार पे बांसगांव की टीम अपने ग्रुप में फर्स्ट पे है, इसने नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन अब इसके बाद अंकों को जोड़ने के बाद कि किन से इनका नॉकआउट मैच होगा परसों, कल के तो नॉकआउट के मैंने मैचेस आपको बता दिया कि पूर्वोत्तर रेलवे और सेंट जूड्स और उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर जोन और आदर्श क्लब बिलवार। लेकिन इस मैच के रिजल्ट आने के बाद परसों जो नॉकआउट के मैच होंगे वो बता सकूँगा।